तो उन्होंने ना अचानक से रास्ता ही बदल लिया और किसी और रास्ते से आने लगी। तो एक दिन मैं शॉप में आ रही थी, मुझे रास्ते में मिल गई। मैंने कहा आंटी आपके ना पैसे रह रहे हैं, आप देने नहीं आए इतने टाइम से, मतलब। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी भी तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा बेटर है, मतलब गले में जो खराश वगैरह अभी तो है, प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई है, बट पहले से काफी ज्यादा बेटर है हेल्थ। मैंने पहले मतलब जो पहले व्लॉग शेयर किया था उसमें आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हेल्थ इश्यूज है, कोल्ड कफ है, और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और किसी ने सजेशंस दिए कोल्ड कफ से बचने के लिए। मतलब आप लोग इतना मतलब सोचते हो ना, वही बहुत है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सोचने के लिए। और अभी अभी मैं शॉप में आई हूँ, मतलब एक घंटा हो गया मुझे शॉप में आए को, क्योंकि शॉप में आते ही ना कस्टमर आ गए थे और उनको सामान देने में बिजी हो गई थी, तो कोई व्लॉग वगैरह स्टार्ट नहीं किया था। और अब धूप भी काफी अच्छी निकलने लगी है बाहर, मतलब पहले धूप ही नहीं निकलती थी बिल्कुल, कस्टमर ही नहीं होते थे रोड पे। और अब क्या है ना कि धूप निकलने लगी है तो कस्टमर भी मतलब बाहर घूमते हैं, मतलब निकलना शुरू हो गए हैं घर से। और अभी अभी सुबह सुबह जो मेरी सेलिंग हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब कुछ इयररिंग्स वगैरह सेल हुए हैं, पायल सेल हुई है, काजल, लिपस्टिक, ये सब चीजें अभी सेल हुई है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है ना वेडिंग सीजन दोबारा से स्टार्ट है। मतलब फेब्रवरी का जो मंथ होता है ना उसमें वेडिंग्स दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए अभी से लोगों ने सामान वगैरह लेना शुरू कर दिया है। तो सुबह की जो सेलिंग है वो काफी अच्छी हो गई है और इसे मैं अब अच्छे से रख देती हूँ प्रॉपर तरीके से, सारा सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ है। फ्री बैठी थी, एक दो कस्टमर आए थे मतलब सामान वगैरह लेके गए हैं, तो अभी फ्री बैठी थी तो सोच रही हूँ कि फ्री बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतने टाइम से ना क्लीनिंग नहीं हो पाई है शॉप में और सामान में इतनी ज्यादा डस्ट हो गई है कि क्या बताऊं। मतलब पहले मैंने शॉप भी क्लोज रखी है एक दो दिन क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, और अब जाके थोड़ा बहुत मतलब तबीयत ठीक हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि क्लीनिंग कर देती हूँ। एकदम से तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ कि सारा ही मतलब सारा सामान निकाल के क्लीनिंग करने बैठूं, मतलब एक एक स्लैब अगर मैं करती रहती हूँ ना तो वो साफ सुथरी दिखती है शॉप। तो अभी देखती हूँ कि कौन सी स्लैब साफ करती हूँ, क्योंकि जिसपे ज्यादा डस्ट होगी पहले वो करूंगी। तो गाइज मैंने डिसाइड किया कि ये वाली जो स्लैब है ना ऊपर वाली, ये मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें डस्ट काफी हो गई है और अच्छा नहीं लग रहा है मतलब देखने में बिल्कुल। कैमरे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि डस्ट है नहीं है, बट सामने से काफी डस्ट नजर आ रही है। फटाफट से मैं क्लीन कर देती हूँ। सोचा तो था कि दो तीन स्लैब आज साफ करके ही रहूंगी, बट ना हेल्थ अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है तो इतनी हिम्मत नहीं हुई करने की एक ही स्लैब साफ कर पाई हूँ, और बीच में कस्टमर आते रहे तो इस वजह से ना काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। जब क्लीनिंग करने लगो ना तब कस्टमर आने लग जाते हैं ना, तो फिर बीच में छोड़ना पड़ता है। तो अभी टाइम भी काफी हो गया तो मेरा दिल नहीं हुआ अभी आगे कुछ क्लीनिंग वगैरह करने का, तो अभी थोड़ी देर में बैठती हूँ आराम से। A few moments later. So guys, ये तो सच बात है ना कि वेदर का बहुत ज्यादा मेन रोल है बिजनेस ग्रो करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मौसम ठीक हुआ ना कस्टमर आने लग गया। पहले क्या था कि इतना ज्यादा मौसम खराब था कि रोड पे कोई भी नहीं होता था, कोई कस्टमर नहीं होते थे,
और जो भी आते थे ना सिर्फ डेली एसेंशियल चीजें यही सब चीजें लेते थे और सारा सामान नहीं लेते थे। तो बट अब क्या हो गया है कि धूप निकलने लगी है, कस्टमर भी आने लग गए हैं और नेक्स्ट मंथ जो है वेडिंग सीजन स्टार्ट है, तो काफी अच्छी मतलब सेलिंग वगैरह हो रही है अब से, और अब धीरे धीरे ना बिजनेस अच्छा ही होता जाएगा, मतलब खराब नहीं होगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अब अच्छा चलेगा, आप टेंशन मत लो। मौसम जैसे जैसे साफ होगा, जैसे जैसे अच्छा होगा, वैसे वैसे काम भी बहुत अच्छा होने लग जाएगा। सो गाइज, अभी अभी कुछ कस्टमर आए थे और ये लिपस्टिक्स वगैरह लेके गए। अभी लाइट नहीं है शॉप में, लाइट चली गई है, तो ये लिपस्टिक्स वगैरह सेल हुई है और सुबह सुबह इयररिंग्स वगैरह सेल हुए थे, ये सब चीजें सेल हुई थी। तो आज की जो सेलिंग है ना बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, क्या बताऊं मैं आपको, काफी अच्छी सेलिंग हुई है रोज के मुकाबले, क्योंकि रोज इतनी अच्छी सेलिंग नहीं हो पाती थी क्योंकि सर्दियां थी, और अब मौसम खुला है तो अच्छी सेलिंग हुई है। A few moments later. So guys, अभी जस्ट मैं कस्टमर के वेट में बैठी थी तो एक कस्टमर आई थी जो कि उधार वापस करने आई थी। 50 रुपए उनके उधार थे, ज्यादा नहीं थे, बट वो वापस करने आई थी लगभग 6 महीने के बाद। तो इस तरह से पैसे फंस जाते हैं, मैं आपको कहती हूँ ना उधार मत दिया करो, तो ऐसे ही पैसे फंस जाते हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों को 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए इस तरह से उधार देने लग गए ना, तो आपके काफी सारे पैसे फंस जाएंगे, जिससे कि आप सामान नहीं ला पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी शॉप को। तो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उधार जल्दी वापिस करने ही नहीं आते हैं लोग। और मेरी शॉप में ना सिर्फ 4 या 5 लोगों को इस तरह से मैंने उधार दिया हुआ था, उसमें से एक वापिस आ गया आज। तो 100 रुपए से मैं नीचे नीचे ही उधार देती हूँ, उससे ज्यादा मैं देती भी नहीं हूँ उधार। गाइज, एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका मुझे कमेंट आया था कि दीदी जैसे कोई कस्टमर उधार ले जाता है, अगर हम उससे मांगते हैं फिर भी ना उधार दे तो क्या करें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे उधार मांगोगे ना, तो वो आपको ऐसे ही लटकाते रहेंगे कि चलो कल दे देंगे, परसों दे देंगे, इस तरह ही बोलते रहेंगे। बट एक टेक्निक है, अगर इस तरह से उधार मांगोगे तो 100% अगले दिन ही उधार वापस करने आएंगे। तो वो क्या टेक्निक है मैं आपको बताती हूँ। तो एक इंसिडेंट मैं अपना शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि एक आंटी थे जिनको मैं जानती थी, क्योंकि मैं जिनको जानती हूँ उन्हीं को उधार देती हूँ, तो उनके थे 150 रुपए उधार, और वो ना सामने से ही होके जाती थी मेरी शॉप से। तो काफी टाइम हो गया उन्होंने उधार वापस नहीं किया, तो उन्होंने ना अचानक से रास्ता ही बदल लिया और किसी और रास्ते से आने लगी। तो एक दिन मैं शॉप में आ रही थी, मुझे रास्ते में मिल गई, मैंने कहा आंटी आपके ना पैसे रह रहे हैं, आप देने नहीं आए इतने टाइम से, मतलब बहुत टाइम हो गया आपने दिए नहीं पैसे। तो कहने लगी कि मुझे याद नहीं है बेटा कितने पैसे रह रहे हैं, मतलब अनजान बनने लगी कि मुझे ऐसे दिखाने लगी कि मुझे याद ही नहीं था, बट उसे सब याद था। जब मैंने उसको बोला ना आंटी आपके 180 रुपए रह रहे हैं, तो वो घबरा गई, कह रही भाई 180 तो नहीं रह रहे थे बेटा, 150 रुपए रह रहे थे। मतलब उसको अचानक से याद भी आ गया, पहले कह रही कि याद नहीं है, फिर अचानक से याद भी आ गया, बताओ। मतलब इस तरह के भी कस्टमर होते हैं। तो क्या हुआ, कहने लगी कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं दे के जाऊंगी शॉप में। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप दे जाना शॉप में, बट जरूर दे के जाना। तो अगले दिन ही शॉप में आ गई और कहने लगी कि आपके 150 थे, आप ज्यादा बोल रहे थे, आप 180 बोल रहे थे, आपके 150 रुपए थे। मैंने कहा लाओ फिर 150 रुपए दे दो। मतलब इस तरह से मैं उधारी वापस लेती हूँ, एक्स्ट्रा बता दो। अगर कोई उधार लेके गया है ना आपसे पैसे, उसको आप 20-30 रुपए एक्स्ट्रा ही बोलोगे ना, तो आपको नेक्स्ट डे आपको पैसे दे के जाएगा। तो ये आप टेक्निक आप याद कर लो और ये आप अजमाना शुरू कर दो, अगर कोई उधार नहीं वापस करता है तो। क्योंकि आजकल बहुत ढीठ लोग हैं, बिल्कुल भी वापस नहीं करना चाहते उधार अगर कोई ले जाते हैं। इसलिए मैं देना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो बहुत ही कम उधार देती हूँ किसी को, जिसको जानती हूँ उसको 50-20 रुपए का उधार हो गया तो हो गया, उससे ज्यादा मैं 100 रुपए से ऊपर तो अब उधार देना ही बंद कर दिया मैंने। तो गाइज, आप लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हो, अगर करना चाहते हो किसी से उधारी वापस निकलवाना चाहते हो, तो आप ये काम करके देख सकते हो। 20-30 रुपए एक्स्ट्रा बोलो, अगले दिन आपको 100% वो पैसे वापस करके ही जाएंगे। और आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।